स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप यहाँ पर कैमरा वाटरमार्क को इनेबल करेंगे यहाँ पर सैमसंग के मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले एक बात और कहना चाहूँगी, आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर आपको कैमरा वाटरमार्क को इनेबल करने के लिए, ऑन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेट कैमरा पर। तो इसका कैमरा हम देख लेते हैं कहाँ है। तो ये कैमरा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग का, इस पर क्लिक करना है आपको। और सेटिंग में आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है वाटर मार्क, इसको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से पहले से तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप चाहे तो यहाँ पर अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको हटा कर। तो यहाँ से आप चाहे तो नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका नाम हो इसको हटा करके। तो मैं वापस को यहाँ से आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, तो मैं कर देती हूँ नाम चेंज, मैं वापस वही टाइप कर देती हूँ। तो ये हो चुका है। तो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, आप कॉर्नर में शो हो जाएगा वाटर मार्क। आपको दिखाती हूँ मैं वाटर मार्क फ़ोटो खींच के, यहाँ पर इसको करते हैं। ये हो चुका है, अब इसको कर देंगे ये बार लेके दिखाते हैं आपको सेल्फी। और आपको इसे ऑन करके रखना है तब ये वाटर मार्क का ऑप्शन आएगा। तो जब सेल्फी लेंगे तो वाटर मार्क का इसमें ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, मैं पहले से फ़ोटो खींच कर रखी हूँ यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर आप फोटो जब भी लेंगे तो यहाँ पर वाटर मार्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप वाटर मार्क भी चेक कर सकते हैं, जब भी आप सेल्फी देंगे इसको ऑन करके तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वाटर मार्क को इनेबल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।